हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़ तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोज़ इवनिंग में मैं बी एफ यू एच एस एंड जी एम सी एच की आने वाली वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे एम सी क्यूज करवा रही हूँ जिसमें मैं सिक्सटी एम सी क्यूज़ आप लोगों को करवा चुकी हूँ इवनिंग में सिक्स थर्टी जो है ये वीडियो अपलोड होती है सो so, जो जो बच्चा इन दोनों वैकेंसीज की प्रेपरेशन कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर बच्चा ज्वाइन करना चाहता है इन दोनों वैकेंसीज के बैचेस को तो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बहुत से बच्चे थे मैम BFU HSN GS GMC HC की वैकेंसीज के लिए स्टार्ट कर दीजिए बैच तो स्टार्ट हो चुका है सो so, ये बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं दो बैचेस है मेरे पास एक है 1499 का 3 मंथ्स का बैच और एक है मेरे पास 2499 का फोर मंथ्स का बैच ठीक है दोनों ही बैचेस जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है ठीक है अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है ना अगर आपको अच्छे से पढ़ना है क्लियर करनी ही है ये वैकेंसी सेवन फिफ्टी प्लस वैकेंसीज हैं तो वन फोर डबल नाइन के बैच में मैं करवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जो कि बी एफ यू एच एस इन जी एम सी एच के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्लस एम सी क्यू क्लासेज प्लस टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर पेपर एंड जो मेरा टू फोर डबल नाइन का बैच फोर मंथ्स का है ये रहने वाला है फुल थ्योरी बैच जिसमें मैं आपको सबसे पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करवाऊंगी आपका बेसिक क्लियर करूंगी ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी कराऊंगी प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी प्लस एम सी क्यूज प्लस टेस्ट सीरीज तो ये बैच भी लाइव एंड रिकॉर्डेड है इन दोनों में से जो भी बैच अफॉर्डेबल है थ्री मंथ्स का वन फोर डबल नाइन का और फोर मंथ्स का टू फोर डबल नाइन का आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके डिटेल्स लेके ज्वाइन कर सकते हैं सो स्पेशली ये बी एफ एच एस एंड जी एम सी एच के लिए है सो so, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से सिक्सटी वन क्वेश्चन हम लोगों ने आज करना है सो देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है द पेशेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ माओकार the the nurse assess for elevation in in which of following values reported in a creatinine kinase level? ियल so इन्फेक्शन है किस आइसो एनजाइम की जो रिपोर्ट है वो आपको एलिवेटेड देखने को मिलेगी ठीक है बीबी एमके एम बी या फिर एम एम सो आप लोगों ने जब भी कार्डियक मार्कर्स किए होंगे फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फन सो इसमें आपने सी के एम बी के बारे में पढ़ा होगा सी के एम बी के बारे में पढ़ा होगा सीके एम का ऑनसेट जो है ये होता है एंजाइम इसका जो ऑनसेट है इसका जो पीक टाइम है इसका जो ड्यूरेशन है ये आप लिख लेना अपनी नोटबुक पे सो so, देखो इसका जो ऑनसेट है ये कब ऑनसेट होता है जैसे कि किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो थ्री से ट्वेल्व आवर्स में ये ऑनसेट हो जाएगा और इसका जो पीक रहेगा सबसे ज़्यादा एलिवेशन जो इसकी देखने को मिलेगी वो एटीन से ट्वेंटी फोर आवर्स में देखने को मिलेगी और जो इसका ड्यूरेशन है कितने टाइम तक ये एलिवेशन में रहता है थर्टी सिक्स से फोर्टी एट आवर्स तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम जो देखने को मिलता है हमें वो सीके एम बी का ही देखने को मिलता है क्लियर सो so, ये सीके एम बी का आपने याद रखना है प्लस एक हम मायोग्लोबुलिन चेक करते हैं मायोग्लोबुलिन से भी क्वेश्चन आ जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है सो वन फोर वन टू फोर आवर्स का ऑनसेट होता है उसका सिक्स टू सेवन आवर्स का पीक टाइम होता है और ट्वेंटी फोर आवर्स का उसका ड्यूरेशन होता है सो so ये आपको याद रखना है अभी तो उसने हमें सीके एम बी का पूछा है सो so मायोग्लोबुलिन इसमें नहीं लिखा हुआ So, पे कौन सा होगा हमारे पास सीके एम बी सो सी के एम बी जो है आपका राइट रहेगा यहाँ पे सो so, इसको आप टिक करोगे ठीक है और ये दोनों आप अपनी कॉपी पे लिख लेना ऑन सेट पीक एंड ड्यूरेशन ठीक है अपने थोरे, जो थोरेटिकल चीजें हैं वो अपनी क्लियर करके रखो क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट है प्रेग्नेट

पेशेंट को फटाफट से हमें ट्रेंडलन पोजीशन पोजिशन में लेटाना है क्योंकि अगर आप उसको ऐसे लेटा दोगे तो थ्रू द गैविटी जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड बाहर आ रही थी वो अब अंदर हो जाएगी उससे ज्यादा बाहर नहीं निकलेगी तो प्रायोरिटी एक्शन इसका ये रहेगा नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच एनजी ट्यूब इज इंसर्टेड द स्टमक इज फ्लस्ड एंड इनजस्टेड सब्स्टांस आर रिमूव थ्रू द ट्यूब इज कॉल्ड सो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं एन जी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं फ्लश करते हैं और उसके बाद जितना भी गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बाहर निकाल देते हैं सो so, उसको हम क्या बोलते हैं सो so, गैस्ट्रिक लिवाज गैस्ट्रिक गिवाज डी कंपनसेशन कॉलोनिक इरीगेशन सो so, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लेवाज लेवाज में क्या करते हैं हम रिमूव करते हैं और गिवाज में हम कोई भी चीज जो हमें देनी है वो प्रोवाइड करते हैं सो so, इसमें क्या होता है जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको हम क्या करते हैं सक्शन आउट करते हैं थ्रू द एनजी ट्यूब जैसे कि कोई भी पेशेंट आया अपॉयड ओवर डोज का या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसने बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर ली है तो उसको निकालने के लिए फर्स्ट जल्दी जल्दी से गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है ताकि उसका स्टमक जो है वो क्लियर हो जाए सारे का सारा कंटेंट जो है पेशेंट का हम निकाल दें क्लियर सो जो भी चीज़ उसने स्वेलो की है क्लियर सो इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक लिवाज नेक्स्ट है इफ अ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज़ ब्रोकन और इंटरप्टेड द नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन सो ये जी का क्वेश्चन है कि अगर चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम की लाइन जो है ब्रोक हो जाए या फिर इंटररप्टेड हो जाए तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता है नर्स का डॉक्यूमेंट फाइंडिंग क्लैंप द ट्यूब इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन चेक द पेशेंट वाइटल साइंस तो सबसे पहले तो आप ट्यूब को ही क्लैंप कर दो क्योंकि उससे एयर जाने का खतरा है और पेशेंट को एम्बोलिज्म बनने का खतरा है ठीक है सो so, पहला कोर्स ऑफ एक्शन यही रहेगा कि चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम अगर टूट गई है तो सबसे पहले उसको इमीडिएटली क्लैंप करो और ये यह के एच का क्वेश्चन है और इसको आप लोग फाइव स्टार लगा लेना क्लियर नेक्स्ट पे चलते हैं एसिड फेज फास्ट बेसेलाई आर फाउंड पॉजिटिव इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंडीशन तो ए एफ बी जो आप करते हो जो कि पॉजिटिव आता है वो किस कंडीशन के लिए आता है दिप्थीरिया सारास दिप्थीरिया ट्यूबरक्लोसिस क्लॉसिस टीबी एंड लेप्रोसी सो टी बी एंड लेप्रोसी दोनों के लिए एसिड फास्ट बेसेलाई का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो किया जाता है और इन दोनों के लिए ही ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है नेक्स्ट है क्रैकपॉट साउंड इलिक while skull percussion indicative of ice, inter, increased ic इंट्राक्रेनियल टेंशन इज नोन एज सो क्रैप्ड पॉट मतलब जैसे कि कोई भी आप मटका लेते हो उसको तोड़ते हो और उसमें से जो साउंड आती है वैसी सी साउंड आप जब स्कल का प्रिकर्शन करो तब आए तो उस साइन को हम क्या कहते हैं ठीक है सो so, उससे पहले अगर कोई भी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन करना चाह कर सकता है जो बच्चा सुनना चाहता है वो सुन सकता है अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हो दो बैचेज है वन फोर डबल नाइन एंड टू फोर डबल नाइन के दो बैचेज है वन फोर डबल नाइन का बैच जो है वो थ्री मंथ्स का है और जो टू फोर डबल नाइन का बैच है वो फोर मंथ्स का है ये दोनों बैचेस स्पेशली फॉर जी एम सी एच एंड बी एफ यू एच एस की प्रेपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं जो बैचेस हैं उनकी डिस्क्रिप्शन ऐसी है वन फोर डबल नाइन में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो कि बी एफ यू एच एंड जी एम सी एच की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्लस एम सी क्यूज क्लासेज करेंगी प्लस टेस्ट सीरीज प्लस डाउट क्लासेस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर और जो मेरा टू फोर डबल नाइन का ये वाला बैच है, ये तो रहने वाला है भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बैच जिसमें हम एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी करेंगे सबसे पहले तो क्योंकि बेसिक ही नहीं क्लियर बच्चों का आजकल उसके बाद हम फुल थ्योरी करेंगे हर एक सब्जेक्ट की प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे प्लस एमसीक्यू क्लासेस होंगी प्लस टेस्ट सीरीज होंगी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर होंगे दोनों ही बैचेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड है तो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डीले क्लियर चलो चलते हैं और देखो डीले मत करो अपना सिलेबस पेंडिंग में मत डालना जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लो दोनों ही बैचेस जो है वन टाइम पेमेंट के हैं और अफोर्डेबल है और 750 प्लस वैकेंसी है ये साल आपका हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 66 था कि क्रैकपोर्ट साउंड जो है स्कल्प प्रिकॉशन पे हमें जो दिखती है वो क्या है हॉमन साइन है पेरोनल साइन है रोमबर्क साइन है मैकवन साइन है सो दिस इज कॉल्ड एन मैकवन साइन जो हमें देखने को मिलता है हाइड्रोसफलस में सो so, इसको लिख लेना हाइड्रोसफलस में ये साइन हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट है पेशेंट विद द डायबिटिक मलाइटस और हैज़ सेलिएटेड सो so क्या लिखा है ग्लाइकोसेलिएटेड हीमोग्लोबिन का जो ए आई लेवल है नाइन परसेंट है बेस्ड ऑन दिस टेस्ट द नर्स प्लान टू टीच द क्लाइंट वॉट द नीड सो देखो जो पेशेंट है उसका जो ए बी जिसको हम बोलते हैं एच बी ए वन सी जो आया है वो नाइन परसेंट आया है तो नर्स उसे क्या टीच करेगी डायबिटिक मलाइटस वाला पेशेंट है अवॉइड इन्फेक्शन प्रिवेंट एंड रिकोगनाइज हाइपरग्लाइसीमिया टेक इन एडुकेट फ्लूइड प्रीवेंट एंड रिकोगनाइज हाइपोग्लाइसीमिया सो याद रखना ये नॉर्मल जो होता है लिख लो इसको अपनी कॉपी पे नॉर्मल होता है अगर सिक्स परसेंट से कम आता है ठीक है उसके बाद इंक्रीज़ हो जाता है अगर 6.5 है तो इट मींस कि पेशेंट जो है उसका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और अगर पेशेंट का जो सेवन से कम आता है देन इट इज़ कॉल्ड एडीए ए ठीक है इसको लिख लेना आई ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ही अच्छे से पेशेंट को आपने ये चीज़ें समझानी होती है क्लियर और अगर पेशेंट का सेवन से भी ज़्यादा आ जाएगा तब हम उसको बोलते हैं कि प्रिवेंट एंड रिकॉग्नाइज करें हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि पेशेंट का शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है सो द राइट ऑप्शन इज प्रिवेंट एंड रिकोगोगनाइज़ द हाइपरग्लाइसीमिया और नॉर्मल लिख लेना इसका नॉर्मल से बहुत बार क्वेश्चन आता है ठीक है लेस देन सिक्स रहेगा नेक्स्ट है ऑफ हेल्थ हेल्थ साउंड 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 माइंड माइंड इन 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 बॉडी फैमिली इन्वायरमेंट की डेफिनेशन थी और साउंड है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इट इज कॉल्ड एज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्लियर नेक्स्ट है इन्फीरियर कावा ओपन इनटू सो इन्फीरियर कावा किस में ओपन होती है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल जी का क्वेश्चन है लोगों को लगता है कि इन्फीरियर वेना कावा जो है वो नीचे ओपन होगी नहीं वो ऊपर ही राइट right एट्रियम में ओपन होती है सो so ये इसीलिए क्वेश्चन डाला है आपको ठीक है एग्जामिनर ने एंड इस वीडियो का सेवनटीन क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल तो इनमें से कौन सी कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल की या फिर हाइपोटेंशन so, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है ठीक है जो लास्ट आपकी वीडियो थी मैंने उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि एक पेशेंट बोलता है कि अगर मैं नहीं होता तो सब कुछ ठीक होता तो ये स्टेटमेंट सीधी सीधी आपको यह बता रही है कि पेशेंट अपने आप को रिस्क पहुंचा सकता है क्योंकि उसकी बातों से क्लियर हो रहा है दूसरा आपसे कैटरिक पेशेंट है क्लियर ना सो खुद को वायलेंस कर सकता है सो यह आपका डायग्नोज रहेगा सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई भी बच्चा जीएमसीएच बी एफ यूएचएस का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज विदाउट एनी डीले आप ज्वाइन कर लो बहुत से बच्चे एंड में आते हैं और बहुत ज्यादा उनका सिलेबस पेंडिंग रह जाता है और वो फिर बहुत मुश्किल से वो सारी चीजें करते हैं दो बैचेज है वन फोर डबल नाइन टू फोर डबल नाइन वन फोर डबल नाइन फॉर थ्री मंथ्स टू फोर डबल नाइन फॉर फोर मंथ्स वन फोर डबल नाइन जो अफोर्ड कर सकता है और उसको मैं करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जी एम सी एट बी एफ एच के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एम सी क्यू क्लासेज होंगी टेस्ट सीरीज होंगी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे एंड डाउट क्लासेज होंगी ठीक है टू फोर डबल नाइन जो है वो ब्लॉकबस्टर जो है हमारा बैच है जिसमें है अनाटमी एंड फिजियोलॉजी प्लस बेसिक होगा उसमें सारा जीरो से स्टार्ट करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स की थ्यूरी करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे एम सी क्यू क्लासेज होंगी टेस्ट सीरीज होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर होंगे दोनों ही बैचेज जो हैं ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है अगर आप जॉब वाले हो तब भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग्स रोज की रोज लाइव क्लास की मिलेंगी ही मिलेंगी आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके डिटेल्स लेके कोई भी बात जो आपको अफोर्डेबल लगता है वो ज्वाइन कर सकते हो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो मिलती हूं आपको नेक्स्ट बी एफ यूच की वीडियो में टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑल द बेस्ट